सो सबसे पहले ये कॉर्निया कैसा दिख रहा है? ये टॉरिक कॉर्निया है, स्फेरिकल कॉर्निया है? जस्ट हमारे पास कॉर्निया का एक टोपोग्राफिक फीचर्स है, तो ये कॉर्निया क्या मालूम हो रहा है, स्फेरिकल या टॉरिक? सर टॉरिक है सर टॉरिक। तो आफरीन और नगमा नहीं बोलेंगे, तुम दोनों को छोड़ के कोई भी आंसर देगा। सो क्यों टॉरिक कह रहे हैं इसे? लगा लेंस लगा हुआ है। नहीं लेंस तो नहीं लगा हुआ है। अच्छा सर इसमें एस्टिगमेटिज्म किस बेसिस पे कह रहे हो इसमें स्टैग्मेटिज्म है? सर स्टीपनेस सर इसका सर ये तो ये कॉर्निया स्फेरिकल नहीं है, एस्टिगमेटिज्म है। किस टाइप का एस्टिगमेटिज्म है इसमें? सो विद द रूल एस्टिगमेटिज्म विद द रूल एस्टिगमेटिज्म क्योंकि वर्टिकल मेरिडियन मैप देख के दिख रहा है, वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा स्टीप है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन फ्लैट है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ टॉरिक कॉर्निया। सो टॉरिक कॉर्निया का शेप इस तरीके से होता है कि उसका एक दोनों मेरिडियंस मतलब पूरा कॉर्निया यूनिफॉर्म कर्व नहीं होता है, कोई एक मेरिडियन ज्यादा कर्व होगा, दूसरे मेरिडियन कम कर्व होगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ अनइवन सरफेस। आपका एक सरफेस ज्यादा ऊंचा है और उसका दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग सरफेस, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में हॉरिजॉन्टल सरफेस का कर्वेचर ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा कर्व है, और उसका वर्टिकल सरफेस फ्लैट है, कर्व उसका सेम नहीं है तो वो फ्लैट है। तो एक तरीके से जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस को आप देखोगे तो अनइवन हो गया वो, एक ज्यादा कर्व है एक कम कर्व है। तो इसमें आपको अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाना है तो अब कॉन्टेक्ट लेंस भी क्या होता है, कॉन्टेक्ट लेंस जाके इस कॉर्निया पे बैठेगा। सो कॉन्टेक्ट लेंस का जो बैक सरफेस है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसका बैक सरफेस का कर्वेचर, कॉन्टेक्ट लेंस भी स्फेरिकल है तो उसके भी दो मेरिडियन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो कॉन्टेक्ट लेंस को इस तरीके से बनना होगा इस कॉर्निया पे अच्छे से फिट होने के लिए कि कॉन्टेक्ट लेंस का जो वर्टिकल सर्फेस का बैक सर्फेस का कर्वेचर होगा वो इस कॉर्निया के बैक सर्फेस से मैच करना चाहिए, और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का कॉन्टेक्ट लेंस का भी कर्वेचर इस कॉर्निया के हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के कर्वेचर से मैच करना चाहिए, तभी वो कॉन्टेक्ट लेंस इस कॉर्निया पे जाके अच्छे से अलाइन होगा, मतलब कॉर्निया और कॉन्टेक्ट लेंस का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, वो कॉन्टेक्ट लेंस की फिटिंग कॉर्निया पे अच्छी दिखेगी, उसका फ्लोरोसेंट पैटर्न पूरा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, सो तो ये टॉरिक कॉर्निया है या एस्टिगमेटिक कॉर्निया है, इस पे अगर हम स्फेरिकल कॉन्टेक्ट लेंस लगाएंगे तो क्या होगा? सर सर इन दिस patient, the vertical meridian is more curved, so maybe the spherical contact lens will stable on the vertical meridian, yani 12 and 6 o'clock more than the 3 or 9 o'clock, maybe. We'll get excessive clearance at 3 and 9 o'clock and touch at 12 and 6 o'clock, maybe. सो कॉन्टेक्ट लेंस का डिजाइन, कोई भी कॉन्टेक्ट लेंस का डिजाइन इस तरीके से होता है कि वो हमेशा जाकर फ्लैट वाले मेरिडियन पर सिट करता है। तो इसमें फ्लैट मेरिडियन ऐसा, क्योंकि फ्लैट मेरिडियन का कर्वेचर कम होता है और इसका ज्यादा होता है, नॉर्मली अलाइन विद द फ्लैट मेरिडियन, मतलब वो जाकर फ्लैट मेरिडियन पर सिट होंगे। सो अगर स्फेरिकल कॉर्निया इस पर हम स्फेरिकल लेंसेज लगाएंगे तो वो स्फेरिकल लेंसेज फ्लैट मेरिडियन पर जाकर अलाइन होंगे, मतलब यू विल सी मोर
फ्लोरोसिन देयर, ये एरिया एलिवेटेड होगा कॉन्टेक्ट लेंस का. सो ये एरिया अलाइन होगा, ये होगा एलिवेटेड. यू विल सी अ लॉट ऑफ फ्लोरोसिन दिस एरिया एंड यू विल सी मोर एक्सेस बियरिंग. कॉन्टेक्ट लेंस का बियरिंग आपको इस एरिया पे ज्यादा दिखेगा. तो जो के एक कॉन्टेक्ट जिसकी वजह से कॉन्टेक्ट लेंस का ओवरऑल अलाइनमेंट आई पे होता है इतना बेटर नहीं होता है. जब हम किसी एस्टिग्मेटिक कॉर्निया पर जब हम कोई स्फेरिकल कॉर्निया लगाते हैं, सॉरी स्फेरिकल कॉन्टेक्ट लेंसेस लगाते हैं. सर जी, सर व्हाई द कॉन्टेक्ट लेंस स्टेबल ऑन द फ्लैट सरफेस? बिकॉज़ उसका सजाइटल हाइट से रिलेशन है. सो फॉर दैट वी हैव टू रीड अबाउट द सजाइटल हाइट. Sagittal height, matlab that flat area sagittal height would be less than the steep area. So yes, sir. Contact lens ka central wala stiffening or peripheral stiffening is different. Cornea. ठीक है, so peripheral yes, would be more flat. तो contact lens yes, को by design इस तरीके से design किया जाता है कि वो जैसे आप contact lens का base कर भी choose करते हो, for example. आप सॉफ्ट लेंसेज में तो यू ऑलवेज के रीडिंग को थोड़ा फ्लैटर बनाते हो ताकि वो पेरिफेरल वाले कॉर्निया के फ्लैटनिंग को भी कंपनसेट करे. सो बाय डिजाइन ऑल कॉन्टेक्ट लेंसेज विल ऑलवेज अलाइन विद द फ्लैटर मेरिडियन अगर वो टोरिक कॉर्निया है. तो अगर स्फेरिकल कॉर्निया है तो मीन्स कर्वेचर इज एवरीवेयर सेम. तो जस्ट एक वीडियो है जिसमें अगर आप देखो किसी अगर हम अगर स्फेरिकल कॉर्निया में so for okay so this is a spherical cornea. ठीक है, and why I'm saying this is a spherical cornea? Sir, let other speak. Look, Shank. ओके ठीक है. नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. सो ठीक है, तो दिस इज स्फेरिकल कॉर्निया. अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड. तो सिंपल किसी स्फेरिकल कॉर्निया में हम जीपी नॉर्मल एक स्फेरिकल लेंस लगा दें तो यू आर सीइंग अ फिटिंग. यहाँ बहुत ही अलाइन फिटिंग है, मतलब लेंस बहुत अच्छे से सेंटर्ड है, मूवमेंट भी ठीक है और लेंस बिल्कुल कॉर्निया के सेंटर में स्टैंडर्ड रहा. तो दिस इज फ्लोरोसिन पैटर्न भी आप काफी यूनिफॉर्म देख रहे हो. सो दिस इज इन द स्फेरिकल कॉर्निया में आप स्फेरिकल लेंसेज लगाते हो तो नॉर्मली यू फिटिंग से वेरियस. सो दिस इज टोरिक कॉर्निया. टोरिक कॉर्निया में आप लेंसेज लगाते हो अगर स्फेरिकल, सो देन व्हाट हैपन. सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, एक तो लेंस काफी स्टेबिलिटी सेंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है. दूसरा आप कुछ एरिया में देख रहे हो फ्लोरोसिन पैटर्न एक्सेसिव बेयरिंग है, एक्सेसिव यहाँ टच कर रहा है. और यह कुछ एरिया में यू आर सीइंग के बहुत ज्यादा फ्लोरोसिन दिख रहा है, मतलब यहाँ ज्यादा लेंस और कॉर्निया के बीच में गैप है. So this is one problem that happened जब हम किसी spherical cornea में किसी toric cornea में spherical lenses को लगाते हैं. तो just going through spherical contact lens and toric cornea. जब हम किसी भी toric cornea में spherical contact lenses लगाते हैं तो क्या कुछ problems हमें देखने को मिलता है. तो one of the problem is vision would not be as good. बिकॉज अलाइनमेंट अच्छा नहीं होता है, देन सेंट्रेशन अभी हमने वीडियो में देखा लेंस कॉर्निया के बिल्कुल सेंटर में
सेंट्रेशन अच्छा नहीं होता है. कॉन्टेक्ट लेंस रॉकिंग ऑन द फ्लैट मेरिडियन. रॉकिंग ऑन द फ्लैट मेरिडियन का मतलब क्या है? तो जो फ्लैट मेरिडियन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फ्लैट मेरिडियन पे ही ज्यादातर कॉन्टेक्ट लेंसेस रेस्ट करेगा. सो कॉन्टेक्ट लेंस जो फ्लैट मेरिडियन के चारों तरफ ही घूमता रहता है, मतलब उस एरिया पे ज्यादा बियरिंग होता है, ज्यादा टचिंग होता है. एंड दैट ऑल लीड्स टू द अनस्टेबल कॉन्टेक्ट लेंस फिटिंग एंड इट ऑल्सो काउज कॉन्टेक्ट लेंस फ्लेक्सर चेंजेस. सो कॉन्टेक्ट लेंस फ्लेक्सर चेंजेस का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्ट लेंस अपना स्फेरिकल शेप मेंटेन नहीं कर पाता है. अब टॉरिक कॉर्निया में स्फेरिक, और यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं आरजीबी कॉन्टेक्ट लेंसेज के टर्म्स में बात कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज के टर्म्स में बात नहीं कर रहे. बिकॉज सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज में आप टॉरिक कॉर्निया में यू हैव टू फिट टॉरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज. नॉर्मली आरजीबी में हम देखते हैं कि इवन टॉरिक कॉर्निया में भी हम स्फेरिकल आरजीबी देते हैं. क्यों देते हैं उसका रीजन आगे बताऊंगा. लेकिन दिस आर द सम प्रॉब्लम्स दैट वी सी व्हेन वी फिट टॉरिक कॉर्निया विद स्फेरिकल आरजीबी कॉन्टेक्ट लेंसेज. सो कॉन्टेक्ट लेंस फ्लेक्सर का मतलब क्या होता है? इवन अ स्फेरिकल कॉन्टेक्ट लेंसेज हैविंग टेंडेंसी टू चेंज इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द कॉर्निया टॉरिसिटी. तो कॉन्टेक्ट लेंस के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्टेक्ट लेंस के शेप में चेंजेस होता है और फिर विजन अनस्टेबल हो जाता है. So these are the some problems. Other problems that जो physiological problems हम देखते हैं cornea के ऊपर, इससे पहले जो भी problems था ये vision वाले problems थे या contact lens related problem थे, ये physical problems है. Cornea भी किस तरीके का problem होता है जब आप toric cornea में एक spherical contact lenses देते हो तो? Hello sir. हाँ जी. मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है. कुछ बोलना है तो बोलो जल्दी, नहीं तो हम आगे बढ़े क्लास में. हेलो. यस सर. वो कुछ बोल रहे थे. ओके ठीक है. सो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कॉर्निया पे फिजिकली. हार्श बेयरिंग एरियाज, कॉर्नियल डिस्टॉर्शन और स्पेक्टिकल ब्लर, डिस्कम्फर्ट, पुअर ब्लिंकिंग, एपिथेलियल डैमेज एंड 3 and 9 o'clock स्ट्रेनिंग. तो ये सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स है जो कॉर्नियल पे होते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टेक्ट लेंस का बियरिंग नहीं होता है. कॉन्टेक्ट लेंस का जो बियरिंग या अलाइनमेंट कॉर्निया के ऊपर पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से हम ये सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं. सो ये एक पिक्चर है जिसमें हमें ये दिख रहा है ये टॉरिक कॉर्निया है. इन दिस कॉर्निया इज हैविंग विद द रूल एस्टिक मेडिजन, मतलब इसका वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा स्टीप है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन फ्लैट है विद द रूल एस्टिगमेटिज्म. तो इस तरीके के कॉर्निया पे जब हम कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, स्फेरिकल कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, तो हम इस तरीके का पैटर्न हम नॉर्मली दिखते हैं. तो हमें क्या दिख रहा है, ये 3 and 9 o'clock एरिया पे बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट लेंस बेयरिंग दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट लेंस का टच कर रहा है कॉर्निया पे. एंड वी आर सीइंग एक्सेसिव फ्लोरोसिन एट 12 and 6 o'clock कॉर्निया. सो इसकी वजह से क्या होगा, इस वाले एरिया में एक्सेसिव बेयरिंग की वजह से यू विल सी यहाँ कॉर्नियल डिस्टॉर्शन, 3 and 9 o'clock स्टेनिंग, एपिथेलियल एस्पिकेस. लॉन्ग टाइम में हमें ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं. सो
So that was the issue when we are fitting a toric spherical contact lens in the toric corneas. ठीक है, अब इसमें acceptable क्या है, not acceptable क्या है, that is another thing. So acceptable वही है basically. आपको ये देखना है कि central वाला area कम से कम आपका touch ना हो. For example, इस तरीके का fitting that is acceptable, but इसको हम better बना सकते हैं कुछ design modification से. So toric GP contact lens indication क्या है use का? So toric contact lens normally हम use करते हैं vision improvement के लिए, because toric cornea में हमने देखा spherical RGP लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा vision improve होते ही नहीं है. Then physically fit of contact lens का जो alignment हो cornea के साथ वो better हो. And physiological status of the cornea, cornea over the period of time, cornea में कोई प्रॉब्लम नहीं हो कॉन्टेक्ट लेंस के यूज की वजह से, तो इन सब के लिए वी कैन थिंक अबाउट टोरिक आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंसेज. सो चार तरीके के बेसिक डिजाइन होते हैं टोरिक आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंसेज में. एक को हम कहते हैं फ्रंट सरफेस टोरिक डिजाइन, फिर हमारा बैक सरफेस टोरिक डिजाइन होता है, देन थर्ड इज द बाई टोरिक, एंड फोर्थ डिजाइन होता है जिसको हम पेरिफेरल टोरिक कहते हैं. So, उन डिजाइन्स को पढ़ने से पहले लेट डिस्कस अबाउट टोरिक जीपी कॉन्टेक्ट लेंस का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. सो इसको लास्ट में एक बार हम और डिस्कस करेंगे डिजाइन्स पढ़ने के बाद, ताकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से समझ में आ जाए. सो एडवांटेज ऑफ कोर्स क्या होगा, आप एक टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज ले रहे हो टोरिक कॉर्निया के लिए, तो लेंस का स्टेबलाइजेशन अच्छा होगा. स्टेबलाइजेशन का मतलब लेंस की सेंट्रेशन मूवमेंट एवरीथिंग विल बी गुड. इंक्रीज इन कॉन्टेक्ट लेंस एंड कॉर्निया फिटिंग रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि कॉन्टेक्ट लेंस और कॉर्निया का जो फ्लोरोसिन पैटर्न है दैट वुड बी बेटर, तो आपको रिलेशनशिप अच्छा दिखेगा. एंड सिलेंड्रिकल करेक्शन में भी डिक्रीज विथ टोरिक सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज. ये एक चीज है कि आप अगर आरजीपी नहीं दे सकते हो तो पेशेंट को टॉरिक सिलेंड्रिकल लेंसेज, टॉरिक सॉफ्ट सिलेंड्रिकल लेंसेज दे सकते हो, और उसके ऊपर से जो रेसिडुअल एस्टिगमेटिज्म बच जाता है उसको आप टॉरिक आरजीपी लेंसेज दे सकते हो. फॉर एग्जांपल आप टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज दे रहे हो लेकिन उससे पेशेंट का विजन बहुत अच्छा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बिकॉज हो सकता है सिलेंड्रिकल ज्यादा है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द टॉरिक जीपी कॉन्टेक्ट लेंसेज. And last is the better corneal physiology than toric soft contact lenses. क्योंकि RGP contact lenses का material का oxygen permeability ज़्यादा होता है, तो इसीलिए toric RGP contact lenses cornea के health के लिए better than the toric soft contact lenses. So these are the advantages कि हम toric RGP lenses का advantages क्या है. Disadvantages की बात करें तो ज्यादा ठीक होते हैं टोरिक आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंसेज, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज से भी ज्यादा ठीक होते हैं. सॉफ्ट और टोरिक स्फेरिकल आरजीपी के कंपैरिजन में भी टोरिक आरजीपी लेंसेज ज्यादा ठीक होते हैं. क्यों ठीक होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि सॉफ्ट टोरिक लेंसेज में हमें स्टेबिलाईजेशन मैथड यूज करना पड़ता है, तो इसी तरीके से टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज को भी आई के ऊपर स्टेबिलाईजेशन होना पड़ता है क्योंकि उसमें भी एक्सेस होता है. सो स्टेबलाइजेशन जब टेक्निक यूज करते हैं सेम वही बेस डाउन प्रिज्म हम इसमें यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से इसका थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द बिग इशू, कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्ट लेंस एज प्रोफाइल, और साथ ही साथ थिकनेस जैसे मैंने बताया बेस डाउन प्रिज्म लगाना पड़ता है जैसे हमने पढ़ा था सॉफ्ट टोरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज में स्टेबलाइजेशन मैटर में. तो चूंकि एक एरिया में आप बेस डाउन प्रिज्म लगा रहे हो तो एज थिकनेस डिफरेंशियल हो जाता है. सो जिसकी वजह से एज थिकनेस डिफरेंशियल की वजह से आपका एज का जो फ्लोरोसिन पैटर्न होता है या एज प्रोफाइल होता है दैट इज नॉट वेरी यूनिफॉर्म 360 डिग्री. मिस अलाइनमेंट ऑफ द कॉर्नियल एंड स्पेक्टिकल आरएक्स एंड सिलेंड्रिकल एक्सिस, चूंकि आरजीपी लेंसेज ज्यादा मूव करते हैं इन कॉम्पेरिजन ऑफ सॉफ्ट लेंसेज आईज पर, तो चांसेस ज्यादा हैं कि एक्सिस मिस अलाइनमेंट होने का. सो दीज आर द वेरी बिग प्रॉब्लम्स विद द टोरिक आरजीपी लेंसेज, एंड दीज आर द वेरी प्रैक्टिकल रीजंस जिसकी वजह से हम आरजीपी टोरिक आरजीपी लेंसेज बहुत ही कम यूज करते हैं.
mostly we prefer to use soft spherical RGB lenses, even if the cornea is astigmatism. Corneas are having astigmatism or Dory cornea. So these are because of these reasons. So इन सारे रीजन की वजह से पेशेंट को कभी भी विजन कंफर्टेबल नहीं होता. तो जस्ट टू डिस्कस अबाउट द डिजाइन, क्या क्या डिजाइन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है टॉरिक आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंसेज में, तो बेसिकली चार डिजाइन है. मैं क्विकली सबके बारे में जाऊंगा, वन टू स्लाइड्स है. एक तो फ्रंट सर्फेस टॉरिक है, दूसरा बैक सर्फेस टॉरिक है, बायटोरिक है एंड पेरीफेरल टॉरिक है. तो ये सारे क्या होते हैं? सो फ्रंट सर्फेस टॉरिक में क्या होता है, आपका जो बैक सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है. कॉन्टेक्ट लेंस का बैक सरफेस स्फेरिकल होता है और फ्रंट सरफेस में जो भी पेशेंट का सिलेंड्रिकल नंबर होता है वो फ्रंट सरफेस में देते हैं. मतलब फ्रंट सरफेस टॉरिक होता है और बैक सरफेस स्फेरिकल होता है. और इसमें हम बेस डाउन प्रिज्म यूज करते हैं एक्सिस स्टेबलाइजेशन के लिए. और ये दो तरीके का डिजाइन हो सकता है फ्रंट सर्फेस टॉरिक में, सर्कुलर डिजाइन भी हो सकता है, ट्रंकेटेड डिजाइन भी हो सकता है. ट्रंकेटेड सेम जैसे हमने सॉफ्ट टॉरिक कॉन्टेक्ट लेंसेज में पढ़ा था, नीचे से हम कट देते हैं उसको हम ट्रंकेटेड कहते हैं. सो तो जैसे मैंने पहले वाले डिसएडवांटेजेस में हमने बात किया था कि दिस कॉन्टेक्ट लेंस एक्सिस स्टेबलाइजेशन इज अ बिग इशू स्पेशली टॉरिक आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंसेज में. एक दो रीजन है, सॉफ्ट लेंसेज का तो डायमीटर बड़ा होता है तो वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा आईज में स्टेबल होता है और फिर उसमें स्टेबलाइजेशन भी मैटर होता है. लेकिन टॉरिक आरजीपी में लेंस कॉर्निया से छोटा होता है, लेंस मूवमेंट इज वेरी लार्ज एंड सो दैट्स व्हाई ये एक्सिस स्टेबलाइजेशन इज अ बिग इशू इन टॉरिक आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंसेज. बेस डाउन प्रिज्म हम यूज करते हैं, जैसे हमने सॉफ्ट टॉरिक लेंसेज में भी देखा था, बेस डाउन प्रिज्म यूज करते हैं जस्ट टू मेक अ थिकनेस डिफरेंशियल. मतलब एक एरिया थिन होगा और एक एरिया थिक होगा, वाटरमेलन सीड प्रिंसिपल हमने पढ़ा था उसी को, तो उसको क्रिएट करने के लिए बेस डाउन प्रिज्म यूज किया जाता है. दिस इज इन द फ्रंट सर्फेस टॉरिक आरजीबी लेंसेज. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, बीच में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, कनेक्ट करने का इशू बहुत हो रहा है सर. पूरी जगह में देख लिया नहीं हो रहा, बीच बीच में कट रहा है तो समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा. नहीं, फिर आपकी वॉइस तुम्हारे साथ है या सबके साथ है? सर सबके साथ है. कैसे सबके साथ है? लेट अदर इस परवीन भी बोल रही है सर. परवीन भी बोल रही है कि उनको भी नहीं आ रहा. लेट फ्रॉम अदर टू लेट अदर से. तो सर